बात ये है कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी टनीशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, बहन को बोलना, और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए जब उसका किसी और लड़की के साथ था। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी और मैं कुछ एक तरह की आपने आरोप लगाया था कि मैं ड्रग्स जो है शेजान लिया करता था, क्या जानकारी थी आपके पास, किसने आपको ये जानकारी दी कि शेजान ड्रग्स लेता था? मेरे को तनीषा ने बताया। क्या बताया था? मम्मा शेजान ना नशा वशा करता है, सेंटर अपनाने के लिए क्या शेजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। जिस दिन मैम ये पूरी घटना हुई उस दिन तनीषा का बिहेवियर कैसा था सुबह से, क्या बात थी आपकी? सुबह वो गई है घर से, उसका 8:30 का कॉल टाइम था, वो गई है घर से, कहती ओके मम्मा, तो मैं उस दिन थोड़ा सोच, उससे एक दिन पहले मैं गई हूँ सेट पे, मैं सेट पे उसको मिलने गई, अचानक गई थी, मैं कहा बेटा कैसा, कहती ठीक है मम्मा, थोड़ा प्रेशर था उस पर क्योंकि वो कहती मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो उसने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला, मम्मा अब शेजान से बात करो। मैंने जब ये सीन में चली गई, मैंने शेजान के रूम में गई, मैंने कहा शेजान मैंने तेरे से बात करनी है, तो तनीषा के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? कहता आंटी सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये किसकी बात है? शुक्रवार की? हाँ, ये एक दिन पहले मैं सेट पे गई और उसके बाद मैं रात को पैकअप हुआ, मैं घर ले आई तनीषा को, तनीषा थोड़ी सी परेशान थी, तो मैं कह रही थी परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, ठीक है ना, कहती माँ मम्मा। सुबह वो गई है सेट पे, फिर उसका मेरे को फ़ोन कब आ रहा है कुछ, हाँ हाँ उसका फ़ोन आया मेरे को कुछ, मेरे को इतना टाइम नहीं, दोपहर को आया, शी इज़ हैप्पी एट दैट टाइम, जिस दिन उसकी हुआ है उसने की है कि मम्मा मेरा 2 दिन का ऑफ हो रहा है, मैं क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ, तो मैं कह बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट कराती हूँ, तो तू चली जा, पर मेरे को कंफर्मेशन दे, प्रशांत पीपी है जो उससे मेरे को बात करने दे, तो बेटा चले जाओ ठीक है मैं करवा देती हूँ। कहती हाँ मम्मा मेरे को 2 दिन के लिए भेज दो, फिर मेरा चेंज हो जाएगा पूरा। कहते ठीक है बच्चे। ऐसे ही अभी थोड़ी देर में मैं अभी डबल माइंडी थी, आई वॉज थिंकिंग कि मैं वो सेट पर जाया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमेशा 2 दिन के लिए चंडीगढ़ चली गई, 2 दिन फिर दिखेगी नहीं मेरे को, सेट पर जाया हुई, मैं अभी सोच ही रही थी, तो मेरे को प्रशांत का फ़ोन आया यही का कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम तनीषा दरवाज़ा नहीं खोल रही, पता नहीं क्या नहीं कर रही, पर हम हॉस्पिटल में हैं, बस ये बात हुई है, और मैं ऑटो लेके पहुँचा।